कंटेंट चल के आ रहा है। लाइव दूध मैं पी के दिखाता हूँ आपको। ये देख, निकाल दिया। ऐसी बकरी बताओ जो चिल्लाए रहा। एक और बकरी लेकर आए, उस पे हमारा मिशन अनसक्सेसफुल रहा था। फाइनली सोनम ने दूध निकालना सीख ही लिया। ओला को किस कर सकते हैं 100 रुपए दूध तो। सुबह ने मुझे हुक्का ऑफर किया है। तो मम्मी आप क्या कर रही है, अच्छी बात है। तेरा चैनल कब से हुआ? तो गाइज मैं पिछली 2-3 वीडियो से देख रहा हूँ, जब भी ये व्लॉग की स्टार्टिंग करती है, हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। भूल गई थी तुम भी हो। अच्छा आकाश तुम मुझे ये बताना कि तू ना वो ओला को किस कर सकते हैं। ओला को नहीं, मैं किस करूँ वो ओला को किस। गाइज ये है हमारा ओला जिसकी हम बात कर रहे हैं, और मैं तो करना है यार आकाश क्या हो गया। लड़को लड़को शकल तो दिखा दे कितना सुंदर है। 100 रुपए के लिए इतनी ज्यादा मेहनत। तू तो यार आकाश बड़ा सस्ता आदमी निकला, 100 रुपए में यार किस करने के लिए तैयार हो गया। किसी ने बहुत बड़ा वाला किस कर लेगा। तो गाइज ये फन पार्ट था, ठीक है। तो गाइज व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आर्यन देखो इतना तैयार होके कहाँ जा रहा है भाई, पहले तो तू ये बता। गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे जा रहा है। चलो हमारे साथ गोवा दिखाते तुम्हें। चिकू बाबी कहीं छोड़ के चलते। मतलब गाइज ये मुझे शाही पनीर बोलते हैं और इनको चिकन कबाब चाहिए। नहीं मैं तो दाल पे ठीक हूँ। कौन सा, सरसों का तेल है, बाजरे का तेल है, कौन सा तेल है? तेल होता है ना शादी में। अच्छा अच्छा वो वाला तेल बोल रही हो क्या? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस क्यों हो रही हो? ये वाला मजाक मत करा ना भाई, सासू मॉम गॉट एंग्री। गाइस मुझे यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है हुक्का। मेरी सासू मॉम ने मुझे हुक्का ऑफर किया है। ये देख लो, ये देखो मम्मी आप क्या कर रही है, अच्छी बात है। तो भर के ले जा रही हूँ ना सारी औरतें मिलकर। अभी तो आप कह रही थी कैमरा बंद था कि मैं खुद पीऊंगी। अभी आप कह रही लेंगे सारे मिलकर। हाँ ये बोलो, डर की बात है। दैट्स माय मॉम, ये हुई ना अच्छी वाली बात। गाइस हमारा कंटेंट देखो, कंटेंट चल के आ रहा है। देखो कान तो बना, क्यों खींच रहे? नहीं कान नहीं पकड़ रहे, ऐसे प्यार से पकड़ते पागल। आज तू क्या करने वाली है इस बकरी के साथ में? मैं तो कोशिश करूंगी अगर इसका दूध निकल जाए तो। ना मम्मी मैं इसको दूध निकालना सिखाऊंगा बकरी का। गाइस आज पता है क्या करने वाले? दूध ही तो निकाल रहे हैं इसको, ऐसा लग रहा है कि बस इसको बिछड़ा दिया और इसको लग रहा है काटने वाले हैं। इतना बड़ा बकरा दिख गया, इसको परेशान नहीं कर रहे, हम इसको प्यार कर रहे हैं, इसे लग रहा है कि हम डी है लेकिन डर रही है। मैं सोनम को सिखाऊंगा, देख भागना नहीं है। लाइव दूध मैं पी के दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस मैं आज सोनम को दूध निकालना सिखा रहा हूँ, मैं भी थोड़ा भूल गया। संजू तेरे को तो सही आता है दूध निकालना। उल्टे हाथ का पड़े अब। ये देख, ये देख बहुत बढ़िया, निकाल दिया। वो देखो लग रहा है कि पता नहीं हमने आज उसके साथ क्या गुनाह कर दिया। पहली बार ही निकाला, मैं तो भैंस का भी नहीं निकला था लास्ट टाइम, बट गॉट मिल्किंग तो कर ही ली मैंने। बहुत स्पीड से भागी हो। ठीक है बाय बाय। सो गाइस मैं आज आपको मेरी नई भाभी से मिलाने जा रही हूँ, जिसको आपने अभी तक वीडियो में नहीं देखा है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अब दिखाती हूँ आपको हमारी वन मोर भाभी। पुराने टाइप का ये जो घर बना हुआ है ये दिखाता हूँ आपको। सोनम पहले है ना, हम बचपन में ना इसके ऊपर चढ़ते थे। तिजोरी है देख इधर अंदर। अच्छा। तुम्हारे गांव में भी देखी होगी तूने, तो छोटा सा इसमें गेट भी है। इसमें सामान वगैरह रखते हैं, गेहूँ रखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर है ना ठंडा रहता है, मतलब खराब नहीं होता। तो गाइस इनमें से हम सोच रहे हैं कि एक अच्छी सी बकरी पकड़ेंगे। ऐसी बकरी बताओ जो चिल्लाए रहा दूध काटने पे। एक और बकरी लेकर आए, उस पे हमारा मिशन अनसक्सेसफुल रहा था। जो कुत्ते का नाम देखो जग्गू है इसका। देखो गाइज ये एक और आ गया ग्वाल बकरिया चरा के। ये किस काम में आता है? ये डाल काटने के। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये है जो बकरियों का डाल काटा जाता है ना, ये आराम से ऐसे ऊपर करके तरीके से खींच के आप इससे आराम से ऊपर से बकरियों के लिए डाल वगैरह काट सकते हैं। जब पहाड़ में जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो उन लोगों के लिए काफी यूनिक सी चीज है ये। क्या बोलते हैं इसको? बांस डंका। गाइस इसको बोलते हैं बांस या डंका। ये हल्के आने लग गए, जब हम पहले जब हम जाते थे बकरी चराने तो ये काफी भारी होता था। गाइस ये है माय न्यू भाभी, इनका नाम है बर्फी भाभी। आज से हमारा साथ ये देंगी हमारी नई भाभी। हमने नए नए रजिस्ट्रेशन करा है। हाँ, अभी नया नया इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इससे पहले मैंने बहुत सारी भाभियों से आपको मिलवाया। भाभी कह रही यार मेरे को बोलना नहीं आता। हेलो गाइस,
इतना बोल दो। ऐसी बकरी पकड़ के लेकर आए जिसकी गली के अंदर घंटी भी है। मतलब ये बकरी थोड़ी सी मैनर्स वाली है, वो उसमें मैनर्स नहीं थे। अबे भाई ओले, 2 रुपए के चक्कर में, किसके चक्कर में तू भाग गया? भाग जाए, ऐसे खड़ा हो गए। इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सोनू के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदा है। तो गाइज, इन छोटे छोटे खर्चों को मैनेज करने के लिए मैं कुछ हिस्सा बिनामो से मैनेज कर लेता हूं, क्योंकि बिनामो है मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में बिनामो ऑलरेडी डाउनलोडेड है और मेरे रियल अकाउंट में 36,416 रुपए। अगर आपके रियल अकाउंट में मनी नहीं है तो आप डिपोजिट पर क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन के थ्रू डिपोजिट कर सकते हैं। एंड गाइज, उसके बाद आपको एसेट्स को चूज करना है जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंड गाइज, यहां पे क्लिक करके आप ट्रेड चार्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन लाइन, कैंडल एंड बार। इस बार हम ट्रेड करेंगे कैंडल्स में। एंड गाइज, उसके बाद आपको इस ग्राफ को देख के प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा और मैं 7,000 रुपीज अप पे लगा दूंगा और ट्रेड कंप्लीट होने का वेट करूंगा। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अर्न कर लिए 12,810 रुपए और मेरे रियल अकाउंट में भी 42,226 रुपए हो गए। एंड गाइस, के साथ में आपको टूर्नामेंट का फंक्शन मिल जाता है जहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप और अर्न कर सकते हैं। एंड उसी के साथ में आपको सपोर्ट का फंक्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको चैट, हेल्प सेंटर, कॉन्टैक्ट, क्लाइंट एग्रीमेंट मिल जाता है। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो इनकी कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल है। अगर आप भी इस तरीके से अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से बिनामो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में $1,000 मिल जाते हैं जहां से आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और एक बार अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। बच्ची भी निकाल देगी दूध, पता है? ये देखो, मतलब छोटे छोटे बच्चों को देखो, सब कुछ आता निकालना। अब तो तेरे को निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने भी निकाला तो था थोड़ी देर। एक बार दोबारा ट्राई कर, वो तूने ढंग से नहीं निकाला था। देखो गाइस कितना डर रही है। देखो गाइस, फाइनली सोनम ने दूध निकालना सीख ही लिया। अरे भाभी, भैंस का नहीं निकलता, ये तो निकाल लिया। सोनम, कैसा एक्सपीरियंस है इसका? तो बहुत सॉफ्टली निकल रहा है। थैंक यू। ये तो बहुत सीधी है बेचारी, बिल्कुल कुछ नहीं बोली। मैं तो मुंह खोल के क्यों रहते थे? जहाँ जाते हैं ना वहाँ प्रकट हो जाता है, ओला देवता है। तो सोनम, कैसा रहा आज का आपका एक्सपीरियंस? सच में मैंने आज से कितनी बार ट्राई करा, गाय भैंस सबका दूध काटने का, आज तक नहीं निकला मेरे से। बहुत बेकार बकरी थी वो, तो उसको तो मैनर्स ही नहीं थे बिल्कुल भी। यहाँ पे होम थेरेपी चल रही है। ठीक है, तेरी बारी है इसको उठाने की। पीछे पलटा मत दियो। तो जलाल हमारे लिए व्यंजन तैयार कर रहा है, पता है आपको? कौन सा व्यंजन? अंडा वाली। अच्छा, अंडा। अंडा वाली। कहाँ जा रही है? मैं चटक मटक बन के कहाँ जा रही है? डांस वांस करने। डांस वांस करने, यू नो। चुन्नी बदली है क्या? बढ़िया लग रही है तो। लुकिंग ऑसम। ये लंबा है ना, बड़े लंबा क्यों नहीं लगता? पैर छोटे। अरे तू खुद देख ले। तो गाइस, अभी हम खेल रहे हैं पे गोची गोची मीन ताश खेल रहे हैं। उक्का कौन पिएगा? आर्यन पिएगा क्या? नहीं है पापा, वो लकड़ी भर रहे हैं। गाइस, ये सारे लोग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नहीं, एक्चुअली ये शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और इनको मतलब थोड़ी सी अपनी शोभा बढ़ानी है, इसलिए सारे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। अभी 4 दिन हो गए वर्कआउट करे हुए। ऐसा कौन करता है? हम डंबल और रॉड ये सोच के ले आते हैं हर बार की वर्कआउट करे, लेकिन लाने के बाद करते नहीं है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो तैयार होके? शादी में जा रहा हूँ मैं। फिर से जब मैं शादी के अंदर जा रहा हूँ, ये मत बोलना टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ। टी शर्ट में थोड़ी बॉडी दिखती है इसलिए। हाँ, कैजुअल में चल जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे शादी का थोड़ी सी फंक्शन वगैरह हो रहा है, जो रिचुअल्स होते हैं यहाँ पे, जो दूल्हा वगैरह है यहाँ पे तैयार हो रहा है बस जाने के लिए। तो व्लॉग हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, देखो, टी शर्ट वी शर्ट जूते वूते पहन के मैरिज फंक्शन है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। तो ये रही हमारी और ये रहे हमारे भगवान है भाई। अच्छा, ये भी शादी में जा रहे हैं। तो गाइज, अभी चलते हैं फटाफट से। और मैं, आर्यन और सोनम नहीं जाएगी शादी में, तो नहीं जा रही। बिकॉज यहाँ की रीति रिवाज है कि लेडीजे मतलब मैरिड औरतें नहीं जाती शादी वादी में, ऐसा कुछ है ना रिचुअल्स? हाँ, ऐसे है, सब जगह ही है। क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती बताओ? ऐसे ही नहीं जाती, ऐसे ही नहीं जाती। गाइस कमेंट कर। लड़कियां जाती है लेकिन ये रिवाज गलत है, लड़कियों को भी लेके जाना चाहिए। मैरिड 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 नहीं जाती। को ले चले हमारे जूते पड़ा। और पापा के लिए स्ट्रगल ये होने वाला है कि पापा को भी गाड़ी में बैठना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा बैठेंगे कैसे, क्योंकि पेट आड़े आ जाता है ना। ऐसी बात नहीं, देखो रुक जाओ, देखो कितने आराम से बैठ रहे हो। देखो, तो गाइज जो रिचुअल्स होते हैं गाँव के वो तो फॉलो करने ही चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं
वैसे गाइज जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोरोना है, वैसे तो मैरिज के अंदर 25 मतलब टोटल 50 लोगों की गैदरिंग अलाउड है, लेकिन गांव में तो थोड़ा बहुत चल जाता है भाई, यहाँ पे लोग नहीं मानते, मास्क वगैरह लगा के जाएंगे